So student, now our next topic is number line. Okay, number line क्या होता है? It is a line of numbers. We have drawn a straight line. Okay, first we have draw a straight line. And इसमें आपको हम लोग क्या हमको numbers put करना है. Zero से start होता है whole number है. Zero, one. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and 11. और ये इनफिनिट तक हो सकता है. ठीक है, ये तो आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया. Draw a straight line and put a number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay. For example,
माइनस टू, ये सिक्स प्लस टू था तो आपका इस साइड थर्ड प्लस कट आगे बढ़ गया था, सिक्स प्लस टू कितना आ गया था आपका एट आ गया था, ठीक है सिक्स माइनस टू तो हम ये सिक्स से वन एंड टू, तो सिक्स माइनस टू हमारे आंसर आ रहा है फोर, ठीक है नंबर आएंगे कितना आ गया हमारा फोर। जस्ट टू स्टेप हम क्या ले लेंगे, बैक ले लेंगे, फर्स्ट हम टू स्टेप आगे जा रहे थे, अब हम टू स्टेप पीछे जाएंगे सब्ट्रैक्ट में। सेकेंड आप ले लो फोर, चलो ट्वेल्व अपन एग्जाम्पल ट्वेल्व माइनस थ्री, ठीक है कितना आ गया, क्या आपका क्या आ गया ट्वेल्व आ गया। अब यहां से आपको थ्री स्टेप पीछे लेना है, वन टू थ्री, ट्वेल्व माइनस थ्री कितना आ गया नाइन, ठीक है ये आपका सबट्रैक्शन मेथड में नंबर लाइन को आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आपको आ जाता है मल्टीप्लीकेशन, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पुट अ नंबर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन, ठीक है मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका क्या है फर्स्ट फोर इंटू थ्री, ठीक है फोर इंटू थ्री दिया हुआ है, अब आपको तो पता है कि फोर इंटू थ्री कितना आता है, बट हमको क्या करना है नंबर लाइन के शुरू में है तो हमको क्या करना है ये आपका फोर है, हम मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं जंप करते हैं, ठीक है जितना थ्री है तो ये हम थ्री टाइम्स क्या कर देंगे जंप कर देंगे, ठीक है फोर इंटू थ्री है तो थ्री टाइम्स। आप मान लो ये वन टू थ्री फर्स्ट किए थ्री टाइम्स जंप किए देन थ्री टाइम्स जंप खेलेंगे, ये आपका थ्री आ गया एंड आपका ये आपका थ्री टाइम्स जंप किए तो ट्वेल्व आ गया, ठीक है यहाँ बस ये आ जाएगा सिक्स में आ जाएगा, ठीक है थ्री टाइम्स जंप करेंगे तो देन आपका थ्री टाइम्स जंप करेंगे तो नाइन में आ जाएगा एंड नाइन से हम थ्री टाइम्स जंप करेंगे तो आपका ट्वेल्व आ जाएगा, ठीक है हम इसमें क्या करते हैं हम थ्री टाइम्स जंप कर देते हैं, ठीक है तो फोर थ्री का कितना आपका आ जाएगा ट्वेल्व आ गया। एक बार और आप क्लियर कर देते हैं, एक और एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं फोर इंटू टू, ठीक है फोर इंटू टू है तो फोर के बाद हम कितना टाइम जंप कर देंगे टू टाइम्स जंप कर देंगे तो कितना आ गया हमारा फोर के बाद अगर मैं टू टाइम्स जंप कर रही हूँ एक बार छोड़ के सेकेंड में जंप कर दी तो सिक्स, ठीक है ये क्या आ गया आपका फोर टू जो कितना हो गया सिक्स। ऑलवेज इसमें क्या होता है गैप छोड़ करके हम उतने हम उतने बार में जंप कर देते हैं, ठीक है ये टू है तो हम एक गैप छोड़ के टू टाइम्स में जंप कर दिए। एक बार हम देख लेते हैं इसका
फॉर एग्जाम्पल थ्री इंटू टू दिया है, ठीक है। सो हमको क्या करना है, थ्री आपको कहा है यहाँ है, ठीक है। अब हमको जंप करना है किसमें, दो थ्री इंटू टू मतलब टू, दो बीच में दो गैप छोड़ के हमको जंप करना है। तो हम किसमें जंप करेंगे, ये वन और टू ये गैप छोड़ दिए और हम किसमें जंप कर दिए, सिक्स में। तो हमारा कितना गया, थ्री इंटू टू क्या हो गया, सिक्स आ गया। तो आपको ये ध्यान में रखना, अगर मल्टीप्लीकेशन में जो ये वाले नंबर होते हैं जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उतने टाइम्स हमको क्या करना है, जंप करना है, और उतने टाइम्स हमको जंप करना है और उतने नंबर्स को हमको छोड़ना है। जंप ऑब्वियसली हम जब जंप करेंगे तो ये नंबर्स हमारे छूटेंगे। अगर ये मैं टू टाइम्स के बाद जंप करें तो मैं क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है, और हम अगर मल्टीप्लाई करते तो थ्री टू जा सिक्स। बट हमको क्या करना है, नंबर लाइन में शो करना है, नंबर लाइन में कैसे इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं हमको ये देखना है। सो इट इज वेरी इजी, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।